नमस्कार, वेलकम टू मीनाक्षीज किचन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं शेयर करूँगी रोस्टेड मसाला ड्राई फ्रूट नमकीन की रेसिपी। बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है ये। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रख दी है गरम करने के लिए। इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून देसी घी। आप चाहे तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, पर देसी घी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी कटोरी मूँगफली। मैंने यहाँ पर कच्ची मूँगफली यूज़ करी है। गैस को लो टू मीडियम हीट पे रखेंगे और मूँगफली को 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो हीट पे हम रोस्ट कर लेंगे। लगातार चलाते हुए इसे हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे से, जब तक ये अच्छे से क्रिस्प ना हो जाए। चेक करने के लिए क्रिस्प हुई है कि नहीं, एक मूँगफली को आप निकाल कर देख लीजिए और ठंडा होने पर उसे खा कर देखिए कि क्रिस्प हो गई है कि नहीं। तो ये मूँगफली मेरी रोस्ट हो गई है, मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। मूँगफली निकालने के बाद इसी कढ़ाई में मैं डाल दूँगी 1 छोटी कटोरी पम्पकिन की सीड्स। तो घी इसमें ऑलरेडी है, इसको भी हम घी में रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। तो इसका रोस्ट करने का टाइम करीबन 5 से 7 मिनट रहेगा। ये जल्दी रोस्ट हो जाते हैं और इन्हें हम लगातार चलाते हुए बिल्कुल स्लो हीट पे इनको हम रोस्ट कर लेंगे। तो ये सीड्स हमारी रोस्ट हो गई हैं, इसे भी मैं निकाल लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी बादाम। उसी कटोरी से मैंने बादाम मेजर कर लिए और इनको भी मैं रोस्ट कर लूँगी। बादाम रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इनको हम बिल्कुल लो हीट पे 10 से 12 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि अच्छे से ये क्रिस्प हो जाए, करारे हो जाए। और इनको भी चेक करने के लिए ठंडा होने पर हम खा के देखेंगे कि क्रिस्प हुए हैं कि नहीं। तो ये बादाम मेरे रोस्ट हो गए हैं, इसे भी मैं निकाल लूँगी। ये देखिए हल्के हल्के फूल गए हैं मेरे बादाम। तो अब कढ़ाई में घी नहीं है, थोड़ा सा मैं घी इसमें ऐड कर लूँगी, करीबन 1/2 टीस्पून। और इसमें मैं डाल दूँगी काजू, और काजू को बिल्कुल लो हीट पे हम रोस्ट कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। लगातार चलाते हुए इसे हम रोस्ट करेंगे। गैस को तेज़ आंच पे करके बिल्कुल रोस्ट नहीं करेंगे ड्राई फ्रूट्स को, नहीं तो वो जल सकते हैं। बिल्कुल आराम से, तसल्ली से इनको हम रोस्ट करेंगे। तो ये काजू हमारे रोस्ट हो गए, इनको भी मैं निकाल लूँगी। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी का ऐड करूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी मखाने। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने 1 ही कटोरी से मेजर किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें खरबूजे या तरबूजे के बीज भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो अलसी भी ऐड कर सकते हैं। तो मखाने को रोस्ट करने में करीबन 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। इसको आप बिल्कुल स्लो हीट पे आराम से रोस्ट करिए। लगातार चलाते हुए मैं इसे रोस्ट कर लूँगी। तो ये मखाने भी हमारे रोस्ट हो गए, इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल देंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के बाद इसमें हम डालेंगे मसाला। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई का गैस बंद कर दिया है, ये देखिए। अब इसी कढ़ाई में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। इन ड्राई फ्रूट्स को कढ़ाई में डालने का पर्पज़ सिर्फ एक ही है, ताकि जब इसमें मसाले हम डालें तो ईज़िली मिक्स हो जाएँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून में डालूंगी चाट मसाला। वन फोर्थ टीस्पून डालूंगी मैं इसमें काली मिर्च। आप चाहे तो सिर्फ चाट मसाला डालें, नमक और काली मिर्च ना डालें। चाहे तो सिर्फ नमक और काली मिर्च डालें, या फिर चाहे तो सिर्फ नमक डालें। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले डाल सकते हैं और उनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स को आप बच्चों के टिफ़िन में या फिर अपने हस्बैंड के टिफ़िन में डालकर भी दे सकते हैं, या फिर इनको ऐसे भी खा सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसे हम ठंडा होने देंगे अच्छे से, और ठंडा होने पर इसे हम एक एयरटाइट जार में भर के रख लेंगे ताकि ये क्रिस्पी ही रहे। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है, ठंडा होने पर मैं इसे एक जार में भर लूँगी। आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और जो ना पसंद हो उनको हटा सकते हैं। तो तैयार है हमारी रोस्टेड मसाला ड्राई फ्रूट नमकीन। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।